नमस्कार प्रणाम मगहिया जवान से मैं गौतम सिंह राजपूत। एल्विस यादव अभी बिग बॉस ओटीटी 2 सीजन जीते हैं और जीतने के पीछे का वजह कारण सब कुछ बताएंगे आप सबको, लाइन पे बने रहिएगा। इस दो फोन से दो वोट कर रहे हैं एल्विस यादव को और थर्ड फोन जिससे रिकॉर्ड हो रहा है उससे भी एल्विस यादव को और शायद ये आखिरी टाइम वोटिंग का है। 8 टक और 8 टक दोनों जगह पे देखिए वोटिंग कर दिया मैं एल्विस यादव को क्योंकि मनीषा रानी का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है वोटिंग। जी हाँ, अभी डिस्क्रिप्शन लिखे हुए देख रहे होंगे कि मगहिया जवान ने भी एल्विस यादव को किया वोट। अब लोग कन्फ्यूज होंगे, जिस मनीषा रानी के लिए एक दर्जन एपिसोड किया हो समर्थन और सपोर्ट में मगहिया जवान, वो भैया एल्विस यादव को कैसे वोट दे सकता है? तो सोचने वाला विषय है। देखिए, आप सबको पता है कि इतने बड़े फैन फॉलोइंग एक विशेष समुदाय या विशेष जात में होने का कारण नहीं है। आप सबको पता है, मतलब एल्विस यादव बहुत बड़ा राम भक्त है, सबको पता है। कट्टर हिंदू है, ये भी सबको पता है। और उसका दो ट्रेंड बड़ा तेजी से वायरल हुआ, एक गाड़ी पे आप भगवा के साथ में हिंदू लिखा हुआ देखते होंगे, उसके सारे गैंग और सारे मित्र लिखा कर रखते हैं। जैसे अभी एल्विस यादव के समर्थन और सपोर्ट में गाड़ी में स्टिकर चिपकाए हुए थे ना, वैसे ही कुछ करते हैं। और सिस्टम तो भैया प्रभु श्री राम से शुरू होता है और प्रभु श्री राम के जो छत्र छाया में रहे भैया सिस्टम 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 ही करता है। बाकी सिस्टम का जलवा ऐसा बिखेरा कि शुरू से अंत तक बिग बॉस के शील्ड को थाम लिया अपने हाथों में। जी हाँ, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ा कर दिया। जी हाँ, तो गजब का मोमेंट है अभी ना, अभी हम लाइव देख रहे हैं और बड़ा कम समय है वोटिंग का और वोटिंग सीट खुला हुआ है जिसमें मनीषा रानी इस ऑप्शन में नहीं है। सीधी सी बात है कि अपने पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ दो है, एक अभिषेक मल्लान और एक एल्विस यादव। भाई बताया आप सबको, पहले भी बताया है, एक वीडियो एपिसोड में आप सबको बताया है कि दो ऑप्शन है, अपना वोट व्यर्थ क्यों दें। इस दो फोन से दो वोट कर रहे हैं एल्विस यादव को और थर्ड फोन जिससे रिकॉर्ड हो रहा है उससे भी एल्विस यादव को और शायद ये आखिरी टाइम वोटिंग का है। 8 टक और 8 टक दोनों जगह पे देखिए वोटिंग कर दिया मैं एल्विस यादव को क्योंकि मनीषा रानी का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है वोटिंग का। अब यहाँ पे दो का ही आपस में टक्कर चल रहा है, बाकी विशेष वीडियो करके डिफाइन करेंगे। अभी आपको ये वीडियो चलते हुए दिख रहा होगा। जी हाँ, एल्विस यादव और अभिषेक मल्लान, ये दो ऑप्शन था जब आखिरी में जब हम लौट रहे थे दिल्ली से, जब एकदम आखिरी 15 मिनट के लिए रात्रि में वोटिंग खुला था तो मैंने 3 फोन से, जैसा आपको वीडियो में चलते हुए दिखा होगा, मैंने 3 फोन से एल्विस यादव को वोट किया। आप लोग सोच रहे होंगे और पुराने वीडियो को याद कर रहे होंगे कि भैया इतना मनीषा रानी का समर्थन करने वाले बिहार की बेटी के लिए खड़ा रहने वाला आखिरी में एल्विस यादव को वोट कैसे दे दिया। तो मैं बताऊं, अगर मनीषा रानी वहां कंटेस्टेंट नहीं रहती तो मैं एल्विस को करता, लेकिन एल्विस यादव के साथ साथ बिहार की बेटी थी और शुरुआत में हम भैया कैसे मान ले कि मनीषा रानी हार रही है। हाँ, जब उस राउंड में वोटिंग ऑप्शन में सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहा था, जैसा मैं आप सबको कहा, एल्विस यादव और अभिषेक मल्लान, तो मैंने एल्विस यादव को 3 वोट दिया, जैसा आपको वीडियो में चलते हुए लाइव दिखा होगा। हालांकि मैं जर्नी में था, काफी व्यस्त था और कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है, लगभग 1 वीक से, तो लगा कि आज आप सबको बताएं कि मगहिया जवान ने भी वोट उसी राम भक्त और उसी कट्टर हिंदू शेर को किया जिसने पूरे हिंदुस्तान में खलबली मचा दिया। और लोग जाति पाति का हल्ला बोल बोलने वाले, अगर इतने जाति में कुबत रहता ना तो खेसारी लाल यादव को भी तुम सब जिता देते। बहुत लोग बोल रहा था कि बिहारी बिहारी और बिहारी का समर्थन करने और कहने वाले खेसारी लाल यादव का समर्थन और सपोर्ट क्यों नहीं किए। तो मेरे प्रिय भाई लोग, मैं बता दूं कि जब खेसारी लाल यादव बिग बॉस में गए थे ना, उस समय हम सब नहीं थे, हम सब मतलब सोशल मीडिया पे नहीं थे, समझे? तो भैया कैसे समर्थन और सपोर्ट करते? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर वो रहते तो बिल्कुल 110% करते उनका समर्थन सपोर्ट। भले आप सब अपने दिमाग मस्तिष्क में जो कूड़ा कचरा बैल बुद्धि लोग भर लीजिए, बाकी एल्विस यादव हिंदू शेर है, राम भक्त है और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है एकदम कट्टर भाजपाई है, वो बिहार वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना, कट्टर भाजपाई है, योगी और मोदी जी का बड़का भक्त है, जो आप सबके बस के बात नहीं है, समझे? अब बस चिल्ला सकते हैं, हुड़ा सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन मुझे आखिरी में कोई ऑप्शन नहीं बचा था, ऑप्शन नहीं मिला था, तो मैंने भी एल्विस यादव को वोट किया क्योंकि वहां बिहार की बेटी मनीषा रानी ऑप्शन से बाहर थी, थर्ड नंबर उनको भी ऐसे भी आया है, सेकंड में अभिषेक मल्लान रहे हैं और फर्स्ट में अपना हिंदू शेर कट्टर भाई एल्विस यादव रहा है। बाकी पहले भी हम शुभकामनाएं पोस्ट के जरिए दिए, जैसे पोस्ट आपको चलते हुए दिख रहा होगा। बाकी ऐसे अगर हिंदू शेर और अपने देश के लिए सोचने वाले रहेंगे, उसका बुलबाला पूरे सिर्फ हरियाणा या दिल्ली में नहीं, पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान में गूंजेगा। बाकी मूर्खों का तो मौसेरा फुफेरा भाई बना ही लेते हो, खाली जतिया का टाइटल लगा होना चाहिए। बाकी मैंने जितना भी हो सका मनीषा रानी के लिए लड़ा और आखिरी में लगा कि भैया बेहतर कौन है,
तो वही जो राम का नहीं वो फिर किसी काम का नहीं। और आजकल तो पता है कि कुछ छुतिये लोग राम भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, समझे, और बड़ी बड़ी जातियाता लेके कि मौसेरा फुफेरा भाई कहेंगे। खैर, हमारा विचार, हमारा वोट या सपोर्ट करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार, प्रणाम रहेगा और जय मगध जय बिहार रहेगा।